हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जीलेट क्लास। तो आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल नंबर 4 सीखेंगे। तो कौन सा टाइप का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल नंबर 4 अप्लाई होता है, यही सारे चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। और जितने सारे व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हो, उन लोगों को मुझे कहना है कि मेरा जो चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो क्या है ये आज का हम लोगों का रूल नंबर 4, तो चलिए क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीलेट क्लास। तो आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल का लास्ट रूल यानी कि रूल 4 डिस्कशन करेंगे। तो रूल 4 कब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करना है, तो फॉर्म है इसका 1 बाई फंक्शन ऑफ डी इंटू, यहाँ पर दोनों फंक्शन इंटू में रहेगा, एक होगा इसमें ई टू दी पावर का फंक्शन और दूसरा होगा यहाँ पर जैसे हम लोगों ने डिनोट किए हैं वी, वी मतलब यहाँ पर कुछ भी एक्स का फंक्शन हो सकता है। तो रूल 4 कब हम लोगों को अप्लाई करना है, तभी जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड में दोनों टर्म इंटू में रहेगा, उसमें से एक टर्म ई टू दी पावर का होगा। तो कैसे करके इस प्रॉब्लम को फॉर्म में अप्लाई करना है, तो ई टू दी पावर का जो टर्म होगा पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना है, फिर क्या करना है 1 बाई एफ ऑफ जो डी रहेगा, डी के जगह पर क्या करना है डी प्लस ए करना है, ए मतलब ई टू दी पावर एक्स के साथ जितना मल्टीप्लाई है वही है हम लोगों का ए, इंटू क्या करना है वी। तो ये था रूल 4। तो बहुत सारे तुम लोगों को अभी लग रहा है कि क्या है ये रूल 4, थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो इसी के लिए हम लोग दोनों तरीके का एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है, फाइंड पी आई ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू दी पावर 2x। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कैपिटल डी का फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो बस हम लोगों को करना क्या है कि डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे pi। तो pi इसमें कितना होगा 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब ई टू दी पावर 2x। तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम को लेंदी कर बैठता है क्योंकि d के जगह पर d प्लस 2 पुट करते करते जाता है, लेकिन ये तो एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d माइनस 2 उसका होल स्क्वायर इंटू ई टू एक्स क्यूब ई टू दी पावर 2x। तो इस प्रॉब्लम में ई टू दी पावर x के साथ कितना है 2 है, तो पहले क्या करना है इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेज देना है, फिर क्या करना है d के जगह पर कितना पुट करेंगे d प्लस 2, माइनस 2 तो उसके बाद में है, उसका होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो ये कितना हो रहा है ई टू दी पावर 2x 1 बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो थोड़ा सा पहले रूल 2 में बताए थे आप लोगों को, 1 बाई डी स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब को 2 बार इंटीग्रेशन करना है, और इस इंटीग्रेशन में गलती से भी सी मत लिखो, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर में इंटीग्रेशन करने का बाद प्लस सी नहीं बैठता है। तो एक्स क्यूब को एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 बाई 4, इसको और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 उसके साथ है 4, तो मतलब हो जाएगा 1 बाई 20 ई टू दी पावर 2x इंटू एक्स क्यूब। तो ये था हम लोगों का रूल 4 का पहला टाइप का प्रॉब्लम, जहां पर हम लोगों ने देखे हैं दोनों फंक्शन इंटू में है, ई टू दी पावर को पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज दिए हैं, फिर डी के जगह पर कितना पुट करना था डी प्लस है, तो यहाँ पर कितना पुट किए डी प्लस 2, फिर उसके बाद था माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हुआ कितना डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इंटू 1 बाई डी स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब को 2 बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 बाई 4, इसको और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 बाई 5, उसके साथ 4 था तो हो गया कितना एक्स टू दी पावर 5 बाई 20। तो ये था हम लोगों का आज का रूल नंबर 4।
तो इसके बाद हम लोग और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो है एग्जांपल नंबर टू। तो रूल नंबर फोर का जो हम लोगों का लास्ट एग्जांपल है, फाइंड द पीआई ऑफ डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो कैसे करके हम लोग समझे कि ये रूल नंबर फोर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फंक्शन इंटू में है और दूसरा चीज़ है यहाँ पर ई टू द पावर एक्स एक फंक्शन है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा, तो y के साथ जो है वो 1 बाय हो जाएगा, दैट मीन्स 1 बाय डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d माइनस वन उसका होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। फिर रूल क्या बताता है कि e टू द पावर x को हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और d के जगह पर, क्योंकि यहाँ पर a है हम लोगों का 1, तो d के जगह पर हो जाएगा d प्लस वन माइनस वन तो था ही, उसका होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो ये कितना हो रहा है, e टू द पावर x इंटू वन बाई डी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मतलब साइन एक्स को दो बार इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स को एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन माइनस है। तो फाइनली रिजल्ट हम लोगों को मिल गया है माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये था हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल नंबर फोर, और ये रूल हम लोगों का लास्ट रूल था। और जिलेट स्टूडेंट्स के लिए ये चारों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में कोई दो रूल आप लोगों का आता है। तो ये जो क्लासेस था, ये चारों रूल और ये जो सीएफ था, ये ज़रूर आप लोग अच्छे से देखिए। और नेक्स्ट वीक से हम लोग जिलेट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना तक, थैंक यू।